हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 1.2, जिसे अपन कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हर एक कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन की टेबल में आते हैं, खुद की टेबल में आते हैं और उसके अलावा भी किसी की टेबल में आते हैं। मतलब वो नंबर्स जो तीन या तीन से ज्यादा नंबर्स की टेबल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4। अब जैसे मैं बात करूं 4 की, तो 4 किस किस की टेबल में आता है? 4 आता है 1 की टेबल में, 4 की टेबल में और 2 की टेबल में। तो ये हो गया ना कंपोजिट नंबर। ऐसे ही प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 की और खुद की टेबल में आते हैं सिर्फ, और किसी टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है किसी भी कंपोजिट नंबर्स को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन दो तीन नंबर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं 30 और 125। ये दो नंबर्स को अपन देखते हैं। ठीक है, 30 कंपोजिट नंबर है, ऑब्वियसली 30 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, तो हो गया ना कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं जब अपन 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले 2 से तो आएगा 15, 15 को 3 से तो आया 5 और यहाँ पे 5 और लास्ट में बचा 1। तो 30 एक कंपोजिट नंबर है और मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, 30 = 2 × 3 × 5। 2, 3 और 5 तीनों है क्या? प्राइम नंबर्स। तो जैसा इस थ्योरम के अंदर बताया गया है वही चीज तो हुई कि मैं कंपोजिट नंबर को क्या कर रहा हूं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे अगर 125 की बात करें तो 125 को सबसे पहले करेंगे 5 से, क्या आएगा 25। फिर करा मैंने 5 से तो 5 और लास्ट में 5 से करा तो 1। तो मैं लिख सकता हूं 125 = 5 × 5 × 5। अब अल्टीमेटली 5 है क्या? प्राइम नंबर है। तो अपन ने यहां पे भी क्या करा, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं कोई छोटा सा। फॉर एग्जांपल 360 को अगर मैं डिवाइड करूं सबसे पहले 2 से तो क्या आएगा 180। 2 से करा वापस आया 90, देन अगेन 45। अब मैं यहां पे किससे करूंगा बताओ, 3 से, 3 से करा तो 1 और 5। अब मैं किससे करूंगा, 3 से अगेन यहां पे आया 5, 5 से करा तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा 1। तो अब मैं 360 को कैसे लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, मतलब 2³ × 3 × 3³² × 5। तो यहां पे भी 360 कंपोजिट नंबर था और ये इसको मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो यही है अपना थ्योरम नंबर 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,